अरे किशोर दा को जिन्होंने सुना है इंक्लूडिंग मी, हम लोग को वो रंग आ ही जाता ना, आप इतना सुनते हैं उनको तो आपके तो फादर हैं, तो आपके तो ब्लड में है, तो अगर उनकी आवाज का बिल्कुल आपके अंदर वो आ भी जाए टच, तो कोई बुरी बात नहीं है। कई सारे लोग हैं जो मानते हैं, मेरे फैंस हैं, और कई सारे नहीं मानते। तो एक फेसबुक में मुझे किसी ने मुझे फ्लूक बोल दिया। अच्छा, फ्लूक, आप तो फ्लूक हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा फ्लूक यार, तो मैं एक एल्बम बनाऊंगा इसका नाम अमित कुमार का फ्लूक। अच्छा अमित सर, हमने ऐसा सुना कि किशोरदा के पास जो टैलेंट है गाने का, मतलब चाहे एक्टिंग करे या जो, उन्होंने कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली थी, ये सही बात है? नहीं, कभी तो ट्रेनिंग नहीं। वो तो उनके गुरु थे कुंदन लाल सहगल, सहगल साहब के गाना गाते थे वो जी बचपन से। अच्छा जी। और क्लासिकल तो उन्होंने कभी सीखा नहीं। सहगल साहब को देखते हुए सीखते हुए उन्होंने वो ही एक्चुअली कुड सिंग सहगल सॉन्ग, मतलब एक एक जगह जो है ना इतना खूबसूरत से गाते थे वो। वाह। उन्होंने सीखा नहीं कभी। इट वाज अ गिफ्ट, नेचुरल गिफ्ट। माय गॉड, क्या बात है। और एक बता दूं आपको, सहगल साहब, ये गलत फहमी है, सब मीडिया बोलते ही नेवर गॉट टू मीट सहगल, बट दैट इज रॉन्ग, ही मेट सहगल। अच्छा जी। वो जब 9 साल के थे तो दादा मुनि अशोक कुमार जी, उनको उन्होंने कहा दादा मुनि मुझे सहगल से मिलाओ। सहगल से मिलकर क्या करेगा? तो बट वो लेके गए, ठीक है मैं लेके चलता हूँ तेरे को, तुम मिल। तो सहगल साहब के सामने पिताजी का फेवरेट गाना सहगल साहब का, किसने ये सब खेल रचाया, वाह इतने ब्यूटीफुल गाया था उन्होंने। और सहगल साहब ने बोला था कि वाह, बोलो तुम, आशीर्वाद दिया था, बोला अशोक तुम्हारा भाई बहुत अच्छा गाता है, लेकिन उनका एक अंग दोष है। क्या है? हिलता बहुत है। तो अमित सर आपने सीखा गाना, गॉड गिफ्ट है आपको भी? मैं एक दफा मेरा दिमाग खराब हो गया था। अच्छा जी। 1971 में कि मैं क्लासिकल सीखूंगा। अच्छा। तो पिताजी को मैंने बोला बाबा मैं क्लासिकल सीखूंगा, तो पिताजी ऐसे थे तू क्लासिकल सीखूंगा? और तो बाबा मेरा लूप लग गया, मैं सीखूंगा क्लासिकल, मैं क्लासिकल सीखूंगा, बोले ठीक है ठीक है, आराम से भैया आराम से। तो फिर उन्होंने मन्नादा को फोन किया, मन्नाडे। अच्छा जी। वाह। मन्नाडे के साथ पिताजी का पुराना रिश्ता, मैंने मन्नादा मेरा लड़का अमित बोलता है क्लासिकल सीखेगा, मन्नादा क्या क्लासिकल मूवी? ठीक है उसको भेज मेरे पास। तो मैं गया मन्नादा के पास, फिर उन्होंने मुझे उस्ताद दिया, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब। वाह। उनके पास मैंने सीखा, वो आते थे घर पे आते थे। अच्छा जी। तो वो 6 महीना सिखाया तो मेरा तो बाउंसर गया पूरा। अंदर गया ही नहीं। अच्छा। तो फिर पिताजी को मैं बोला बाबा मुझे नहीं हो रहा, मतलब मैं बोला था तेरे को ना नहीं होगा, क्यों ऐसा दिखाता है अपने आप को। तो उसके बाद तो खैर, लेकिन गुलाम मुस्तफा जी अभी भी बोलते हैं कि अगर तुम सचमुच सीखते थे तुम बहुत अच्छा गा सकते थे, मतलब सही बात है। पर आप बहुत अच्छा गाते हैं जी। जैसे किशोरदा इतने बिजी हैं और कोई और प्रोड्यूसर आया, अरे एक तो उसका बजट भी कम हो गया, तो ऐसा कभी किसी ने सोचा यार उनका बेटा ही तो है अमित और उनकी आवाज भी आपकी काफी वो रंग तो आता ही है, तो कभी ऐसा हुआ? हुआ, कम बजट वाले आपके पास आ गए? हुआ है। अच्छा जी। हुआ है, बहुत हुआ है। देखिए मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, पिताजी का रेट बहुत भयंकर रेट था उस जमाने में। अच्छा जी। और उनका एक था कि लता कितना ले रही है। अच्छा। तो अगर लता जी 80,000 ले रही, तो मैं 90 लूंगा। अच्छा। तो ये कमाल था ये। तो और देते थे प्रोड्यूसर घर पे आके देते थे, ये बहुत बड़ी बात घर पे आके। पर घर पे आके पैसे देखा। बड़े तो ठीक है भाई, अभी कहाँ वो 90,000 से मेरा रेट क्यों बोलूं मैं। लेकिन हाँ एक गाना था मैं ही गाया था, गुलजार साहब ने लिखा था, आर डी वर्मन का रोज रोज आंखों तले। वाह बड़ा खूबसूरत गाना। वो गाने में 3 अंतरे आशा जी की थे। अच्छा जी। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 1984-85 में जीवा फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा जी। तो अभी हीरो जो है संजय दत्त। अच्छा जी। उसको जब मालूम पड़ा उनको कि पूरे गाने में कुछ नहीं कर रहा लड़के मंदा की नहीं गाएगी और मैं खड़े रहूंगा ऐसा करके, तो बोला मेरे को एक अंतरा दो। तो उनके वजह से एक अंतरा। मेल अंतरा आया, थर्ड अंतरा। अच्छा जी। तो थर्ड अंतरा जैसे हुआ तो पंचम दा बोले ठीक है किशोर दा को फोन करो यार।
तो किशोरदा का नाम सुन के डड्डू से किशोरदा क्यों क्या अभी क्यों ठीक है चलो अमित को फोन करो यार. अच्छा मेरी एक बुरी आदत है दोपहर को कुछ भी हो जाए अमित कुमार नीड्स 40 विंग्स दोपहर को सोऊंगा ही मैं. अच्छा बचपन से है तो पिताजी को मालूम था ये. पंचमदा ने फोन किया और बाबा ने उठाया हेलो. अरे पंचमदा का एक बड़ा मजेदार ये था वो अच्छा। कभी भी हेलो नहीं बोलते थे जैसे हम हेलो बोलते वो हाँ तो पहले हाँ क्या तो बाबा हाँ से हाँ तो तो बाबा बोले तो बाबा बोले पंपे चमचम चम क्या कर रहे हैं हम लोग पॉइंट पे आओ यार. तो फिर बोले तो भाई आपका लड़का क्या कर रहा है बोलो तो मालूम नहीं सोता है वो दोपहर को सो रहा है बोलो उसको जगाई उसको गाना मिल गया एक. अच्छा तो बाबा बोले पंचम मैं किस खेत की मूली हूँ बोले आपका बजट ही नहीं है तो मुझे ये गाना मिला. वाह क्या बात है बड़ा खूबसूरत गाना है सर हो जाए दो लाइने. मैं आर्डियो को इमिटेट करूं. हाँ प्लीज सर पंचम दा मुझे गाना सिखा रहे हाय तू पे कैसे घंटा हाँ तेरे को मिल गया गाना मेरे को देख अटका हो गया. हाँ ठीक है गो बोल. आँखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है सुने पड़े बेचारे से कुछ खाबों की नींद उड़ा दी है. रोज रोज आँखों तले रोज रोज आँखों तले ला 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 हो रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले रात भर आजल जले आँख में जिस तरह ख्वाबों का दिया जले हो रोज रोज आँखों तले. थैंक यू क्या बात है. थैंक यू मजा आ गया मुझे मजा आ गया. थैंक यू थैंक यू. क्या बात है सीरियसली सर आपकी आपके परिवार के ऊपर ना एक सरस्वती माँ की कृपा है मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने सीखा ही नहीं है मुझे लगता है कि अगर आपने नहीं सीखा तो सीखा है किसने फिर. नहीं नहीं मतलब इतना 87 when my father died उसी साल मैं क्लासिकल सिंगिंग मतलब लाइट क्लासिकल सत्यनारायण मिश्रा जी आज वो भी नहीं है दुनिया में जो उन्होंने मुझे 6 साल अच्छा मार मार के सिखाया. उसके बाद मुझे सब गाने मिलना शुरू किया. मुझे लक्ष्मी जी मुझे बोलते थे तेरा वॉइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है घंटो गड़बड़ करता है सीरियस नहीं तो तेरा वॉइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है लेकिन सुरेश वाटकर जैसे अच्छा गाता है चरेंद्र सिंह का बहुत अच्छा है सब अच्छा है लेकिन तू सीरियस नहीं है. लेकिन उन्होंने गाना दिया मुझे कह दो कि तुम सब मैं आई सैंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द हीरोज अनिल कपूर दिलीप साहब के लिए गाया देव साहब के लिए गाया राजेश खन्ना के लिए गाया अमिताभ बच्चन के लिए गाया लिस्ट इज एंडलेस. आई थैंक फॉर एवरीवन एंड आई थैंक्स टू ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स. अच्छा मैं एक चीज कन्फेस करना चाहता हूँ जी. मुझे ना पता नहीं था कि ये बड़े अच्छे लगते हैं आपने गाया मुझे लगता था किशोरदा ने गाया. और एक और चीज बताऊं सर. थैंक यू. अभी अभी मुझे पता चला कि ये गाना भी आपने गाया है कि कह दो कि तुम हो मेरी वरना. मुझे पता नहीं था. इसका मतलब मैं I'm a great grandfather or what? सर आप कमाल हो मतलब ये दो लाइनें हो जाए सर मैं आपको मैं दिल से कह रहा हूँ. मैंने ना मुझे कह दो कि तुम तेजाब जी बिगेस्ट हिट. लक्ष्मी जी वाज वन म्यूजिक डायरेक्टर सभी अच्छे थे. लक्ष्मी जी का एक था प्रेडिक्ट करते थे अमित कुमार डायरेक्टर का गाना क्या होगा अभी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ डायरेक्टर का वो स्टार बन जाएगा. कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना. कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे
है मरना, देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना, यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है, कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। वाह, थैंक यू।